हेलो गाइस, पिछली बार हम टेम्परेचर SpO2 और जो रिमेनिंग पार्ट था RR एस्पायरेटरी रेट डिस्कस कर चुके हैं, यानी वाइटल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो जनरल एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट था, एक था SMR स्टेजिंग, जो पीडियाटिक पर्टिकुलर था, SMR या टैनर स्टेज। टेम्परेचर में एक चीज़ मैंने टेम्परेचर डिमास्टेट कैसे करते हैं वो चीज़ नहीं बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें टेम्परेचर में हम टू आवरली टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं, ब्रीड टू आली दो दो घंटे पे टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं। तो दो हम इसमें दो चीज देखना होता है हमारे लिए, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब दोनों का, जैसे किसी को हर दो दो घंटे पे हम करा रहे थे तो एक दिन में 12 बार 12 रीडिंग हुआ। 12 रीडिंग मान लीजिए, पहले दिन 10 रीडिंग में उसको बुखार आ रहा था, दूसरे दिन उसको 8 रीडिंग में आ रहा है, तीसरे दिन 6 रीडिंग में, यानी बुखार तो उसको आ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो रही। इसका मतलब चाइल्ड इम्प्रूवमेंट के ट्रेंड में, बच्चा इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा चीज़ होता है एम्पलीट्यूड, मान लीजिए उसको पहले दिन 104 बुखार आ रहे थे, उसके बाद उसको 102 आने लगे, उसके बाद 101। टेम्परेचर टू आर्ली टार्चिंग जो चार्टिंग कराते उसका इम्पोर्टेंस समझिए। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी भी कम हो रहा है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है, या फ्रीक्वेंसी मान लीजिए सेम है, उसको 10-12 रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड कम रहा है, तो इसीलिए टू आवरली टेम्परेचर चार्टिंग बच्चों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड देखते हैं। दोनों में से भी कोई चीज़ कम हुआ तो हम उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ डिनोट करता है। दोनों में मान लीजिए 104 था, 105 हो रहा है, यहाँ पे 10 था, 12 हो रहा है, इसका मतलब डिटोरिएट कर रहा है, हमको एंटीबायोटिक चेंज करना है या इन्फेक्शन को और क्या क्या हो सकता है वो चीज़ें रूल आउट करना है। तो ये टू आवरली टेम्परेचर चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट हम बताना चाह रहे हैं। दूसरी एक चीज़ है जो हम टेम्परेचर लेने को डिमॉन्स्ट्रेट करना है टेम्परेचर। तो जैसे हम हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, तो थर्मामीटर लगाते कैसे हैं, ये हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है, तो अभी ये ऑफ है, कोई रीडिंग नहीं, तो हम इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया, अब ऑन है तो हम देखेंगे यहाँ पे जीरो आने तक, L0 आ गया। अब जीरो आने पर लगाने का तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ये इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है। रीडिंग बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है। हम तब तक इसको लगा के रखेंगे जब तक टू टू की आवाज़, जिस पॉइंट पे टू टू की आवाज़ करने लगा गया ये, वो हमारा टेम्परेचर होगा। या कभी कभी कुछ थर्मामीटर में टू टू की आवाज़ नहीं आती है, तो कम से कम आपको 3 से 5 मिनट तक लगाना होता है, 3 से 5 मिनट तक, जब रीडिंग बढ़ना रुक जाए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया था, देखिए जो बॉडी है इसकी परपेंडिकुलर इस तरह, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए यहाँ पे एग्जिला का शेप, देखिए यहाँ पे टच किया हुआ, और इसको ऐसे पेशेंट या बच्चा ऐसे हाथ लगा के रोक भी सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे इस तरह लगाते हैं। अब ध्यान सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इस तरह लगाने पर ये जो टिप है ये हवा में है, टिप तो टच ही नहीं किया, क्या रीडिंग देगी। यह हम इस तरह से आगे जाओ इस तरह से लगा रहे हैं, तो टिप तो हवा में है, क्योंकि एगिला का शेप इस तरह से है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो हमेशा टच कर रहा है, ऐसे आप हाथ दबा दीजिए। अगर आप इस तरह से रखेंगे बेटा, तो ये हवा में रहेगा। आप इस तरह से रखेंगे तो ज़्यादातर देखते हैं, हमने जो वार्ड में देखा है, इस तरह से लगाए रहते हैं, अब उसमें टच ही नहीं कर रहा, या इस तरह से, या अगर इस तरह से कि पार्शली टच है, कभी ऊपर उठ गया, कभी टच किया, कभी ऊपर उठ गया, तो रीडिंग सही से नहीं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो एगिला है उसके इस तरह से और लगा के आपको तब तक वेट करना है जब तक कि टू 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 की आवाज़ ना आने लगे, या फिर 3 से 5 मिनट। तो ये टेम्परेचर लेने का बेस्ट तरीका है पीडियाट्रिक्स में। एनल टेम्परेचर हम नहीं दिखा सकते, ओरल नहीं लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा SMR या टैनर स्टेज। SMR या टैनर, SMR में R को बहुत ध्यान देना, यहाँ पर रेट नहीं रेटिंग होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग,
एस से होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग, या उसी को टर्नर स्टेज बोलते हैं। ये जो हम बताए थे पीडियाट्रिक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है, स्पेशली कोई एडोलेसेंट या प्यूबर्टल एज ग्रुप में करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, जो प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जो फीमेल होती, फीमेल में प्यूबर्टी की एज होती है 8 से 13 साल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8 to 13 ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फीमेल का है, फीमेल में जो प्यूबर्टी। और मेल का 1 साल लेट होता है, यानी 9 to 14 ईयर, ये मेल में प्यूबर्टल एज होता है, प्यूबर्टी का एज होता है। अब इसमें पूछा जाता है फर्स्ट साइन, तो जो मेल में फर्स्ट साइन, फर्स्ट प्यूबर्टल साइन होता है वो टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, क्या होता है, टेस्टिकुलर, टेस्टिस का इंक्रीज होना, टेस्टिस साइज का। जो मेल में लास्ट साइन होता है वो बियर्ड यानी फेसियल हेयर, बियर्ड यानी दाढ़ी या मोछों का आना, फेसियल हेयर का आना, ये सब नीट पीजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में वाइवा में पूछे जाते हैं, जवाब का होगा। फीमेल में क्या होता है, जो फर्स्ट साइन होता है वो थिलार्की होता है, थिलार्की मीन ब्रेस्ट बड का अपियर, ब्रेस्ट बड का अपियर होना, थिलार्की फर्स्ट साइन होता है। और लास्ट साइन होता है मीनार्की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपियर होना, मीनार्की लास्ट साइन। अब ये तो हो गया प्यूबर्टी के नॉर्मल एज, फर्स्ट साइन क्या होता है, लास्ट साइन। अब इसके बिहाव पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी समय से पहले प्यूबर्टी आना, डिलेड प्यूबर्टी यानी समय के बाद आना। तो जो मेल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की डिफिनीशन है, ये रेंज है, अगर टेस्टिकुलर फर्स्ट साइन है, अगर 9 to 14 ईयर, अगर किसी का टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट 9 ईयर के पहले आ जाए, बिफोर 9 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसे बोल देंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी समय से आ गया। और अगर अपर एज क्या था, लास्ट क्या था, 14 ईयर, अगर 14 ईयर तक भी नहीं आया उसका टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, नहीं शुरू हुआ, इसका मतलब डिलेड प्यूबर्टी, ये डिलेड प्यूबर्टी हो जाएगा। तो 14 तक भी नहीं आया, डिलेड 9 से पहले आ गया, तो मेल में दो ही डिफिनेशन है प्रिकॉशियस और डिलेड प्यूबर्टी की। फीमेल में देखते हैं, फीमेल में जैसे 8 से 13 साल है, अगर किसी का थिलार्की 8 साल से पहले आ गया, बिफोर 8 ईयर, थिलार्की, जो थिलार्की है बिफोर 8 ईयर आ गया, तो इसका मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर उसका थिलार्की जो है फर्स्ट टाइम वो 13 साल तक आया नहीं, यानी ब्रेस्ट बेड का डेवलपमेंट 13 ईयर तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो डिलेट प्यूबर्टी हो जाएगा। प्रिकॉशियस जो रेंज है उस एज से पहले आ गया, प्रिकॉशियस उस अपर रेंज तक नहीं आया, तो डिलेट। अब ध्यान दीजिएगा, जो थिलार्की और मीनार्की के बीच में यूजुअल ईयर होता है वो 2 से 3 साल लग जाता है, 2 to 3 ईयर, यानी जब थिलार्की आया उससे 2 से 3 साल में मीनार्की आ जाता है, एवरेज ड्यूरेशन है 2 से 3, कभी कभी कहीं 2.5 साल लिखा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं दिया जाता है 2.5 साल तो वो भी सही है, 2 से 3 साल। अब इसके बेसिस पे दो डिफिनीशन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी के और बनते हैं फीमेल में, 2 से 3 साल उसका डिफरेंस है। अगर किसी फीमेल में मीनार्की वैसे 13 साल तक आता था, अगर 10 साल से पहले आ गया तो भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अगर थिलार्की के बेसिस पे डिफिनेशन है तो 8 साल से पहले, अगर मीनार्की के बेसिस पे डिफिनेशन, उसको याद करने का तरीका क्या, 2 से 3 साल दोनों के बीच में लगता है, तो इसका पहला वाला पार्ट प्रिकॉशियस के लिए पहला ले लेते हैं, 2 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो अगर 10 साल से पहले आ गया मीनार्की प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। दूसरा चीज है डिलेट के लिए देखते हैं, डिलेट के लिए क्या था डिफिनेशन, 13 साल, और मीनार्की और थिलार्की में टोटल 2 से 3 साल, तो हमें लास्ट वाला पार्ट लेते हैं, यानी 13 3 16। अगर किसी को 16 साल तक भी मीनार्की नहीं आया, 16 साल तक भी मीनार्की नहीं आया, तो ये डिलेड प्यूबर्टी हो जाएगा। और डिलेड प्यूबर्टी का फीमेल में एक और डिफिनेशन है कि अगर 17 साल तक किसी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आया ही नहीं, नो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इवन आफ्टर 17 ईयर, अगर 17 साल तक भी नहीं आया, इसका मतलब कि वो डिलेड प्यूबर्टी है। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जो फीमेल होती है, फीमेल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ज्यादा कॉमन है, प्रिकॉशियस,
और मेल में डिलेड प्यूबर्टी रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है। दोनों का जो मोस्ट कॉमन काज कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका भी मोस्ट कॉमन काज जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्यूबर्टी डिलेड हुई है हार्मोनल के कारण, वो एक समय के बाद प्यूबर्टी आ जाएगी और बाद में इसका जो विकास होगा सब कुछ नॉर्मल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है प्यूबर्टी से रिलेटेड। ये जानकारी के बाद आप टैनर स्टेजिंग अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्ट। एसएमआर स्टेजिंग अब हम देखते हैं बहुत ध्यान से। एसएमआर स्टेजिंग मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, यानी मेल का एसएमआर स्टेजिंग अलग होगा, फीमेल का अलग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेल में हम दो चीज़ देखते हैं, एक टेस्टिकुलर साइज और टेस्टिकुलर वॉल्यूम, दूसरा जो प्यूबिक हेयर देखते हैं, प्यूबिक हेयर। फीमेल में हम देखते हैं ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर, यानी प्यूबिक हेयर दोनों में कॉमन है। प्यूबिक हेयर मेल में भी देखते हैं फीमेल, और उसमें टेस्टिकुलर साइज और ब्रेस्ट, इसलिए प्यूबिक हेयर को मैंने बीच में रख दिया है और टेस्टिकुलर साइज को किनारे किनारे ये चार्ट हम देखते हैं। तो टोटल एसएमआर या टैनर स्टेजिंग 5 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया साइज, एक तो टेस्टिस की साइज देखते हैं, टेस्टिस की वॉल्यूम। टेस्टिस की वॉल्यूम देखने के लिए एक आर्चिडोमीटर आता है, आर्चिडोमीटर। इसमें क्या होता है, 3 ml, 4 ml, 10 ml, 16 ml और 25 ml के साइज की बॉल टाइप के ऐसे होते हैं, ऐसे साइज के इंक्रीजिंग उसमें हो रहा है, तो हम उसे मैच करेंगे। मान लीजिए इस सेकेंड से मैच हो रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम 4 ml है, थर्ड से मैच कर रहा है 10 ml, उस बेसिस पे हम उसे बोलते हैं आर्चिडोमीटर। आर्चिड मीन्स टेस्टिस होता है, तो उसी के नाम से बना है आर्चिडोमीटर। तो हम उसके साइज से मैच कर लेंगे कौन से उसमें आ रहा है। अब ये वॉल्यूम के लिए, सेप के लिए हम उसको टेस्टिस का वो मेजर करते हैं कितना उसका साइज है। तो अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो स्टेज 1, 2.5 से 3.1 सेंटीमीटर के बीच में है स्टेज 2, 3.2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के स्टेज 3, 4.1 से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में है तो स्टेज 4, और 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो स्टेज 5। ये टेस्टिकुलर साइज और वॉल्यूम हो गया। प्यूबिक हेयर दोनों में कॉमन है, तो स्टेज 1 में कोई प्यूबिक हेयर नहीं होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। स्टेज 2 में 3 S याद करिए, 3 S। स्पार्स, स्पार्स माने मतलब पतले पतले बहुत, स्कैंटी मतलब बहुत कम, स्ट्रेट हेयर, स्पार्स, स्कैंटी, स्ट्रेट, 3 S है। स्ट्रेट मतलब सीधे होंगे हेयर, स्पार्स, स्कैंटी एंड स्ट्रेट हेयर। स्टेज 3 में वो कर्लिंग ऑफ, इसे नॉर्मल जो स्ट्रेट हेयर थे वो कर्ल होना शुरू कर देंगे, और डार्कनिंग ऑफ हेयर, जो स्पार्स थे पतले थे स्कैंटी हेयर थे वो डार्कनिंग स्टार्ट होने। तो दो चीज़ होगा, जो स्ट्रेट थे वो कर्लिंग होंगे और डार्कनिंग और संख्या में बढ़ेंगे, ये होगा स्टेज 3। स्टेज 4 में क्या होगा, और डार्कर, मोर कर्ली हेयरिंग और रीचिंग अप टू मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई है उधर जाने लगे, जैसे जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई उस साइड में जाने लगे स्टेज 4 में। और स्टेज 5 में एडल्ट साइज हेयर। अगर ध्यान दीजिएगा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में कम्प्लीटली हेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो एडल्ट साइज है, टर्नर स्टेज 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि स्टार्टिंग ऑफ हेयर टुवार्ड्स मीडियल थाई, स्टार्ट हुए हैं जा ही रहे हैं, इसका मतलब स्टेज 4। तो वो क्वेश्चन स्टेज 4 का था, टैनर स्टोरी इसमें नीट पीजी में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ध्यान देना इसमें कौन से स्टेज पे कहाँ। अगर बिल्कुल मीडियल साइड पे एकदम कम्प्लीटली प्रेजेंट है, एडल्ट साइज है, तो स्टेज 5 टर्नर, और अगर मीडियल साइड में सिर्फ जा रहे हैं स्टार्ट है तो स्टेज 4। इस स्टेज दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, ये स्टेज थे। अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का, जैसे यहाँ पे मेल होगा तो क्या लिखा रहे, जैसे मेल कर्लिंग डार्कनिंग ऑफ हेयर, और यहाँ पे होगा हेयर प्रेजेंट अराउंड टेस्टिस एंड पेनिस, या बेस ऑफ टेस्टिस एंड बेस ऑफ पेनिस, ये वर्ड लिखा रहेगा यहाँ, जैसे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और यही अगर फीमेल रहेगा तो फीमेल में लिखा रहेगा डार्कनिंग एंड कर्लिंग ऑफ हेयर एंड हेयर प्रेजेंट लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा और मांस प्यूबिस,
मांस पे उसमें पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, या क्लाइटोरिस लेबिया मेजोरिया लेबिया मेनोरिया और मांस पे को मिला के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल के एनेस्टेशन जेनिटेलिया में चार पार्ट होते हैं। तो अगर इंटायर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में प्रेजेंट है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में नहीं गया है, इसका मतलब स्टेज थ्री है। तो हमने कॉमन बताया है इसमें, अब अगर यही होगा फीमेल रहेगी तो उसमें ये टर्म रहेगा इंटायर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और यही अगर मेल होगा तो उसमें लिखा रहेगा अराउंड बेस ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस, ये लिखा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज यहाँ पे, और स्टेज फाइव ये मेल फीमेल के लिए स्टेजिंग है, लेकिन हेयर का स्टेजिंग कॉमन है इसलिए मैंने ये क्या है इतना ध्यान देना है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो ब्रेस्ट वाला है उसमें क्या, जो प्री एडोलेसेंट होगा स्टेज वन में होगा प्री एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट मतलब ब्रेस्ट बड भी नहीं है, ब्रेस्ट बड भी नहीं है, ठीक है। स्टेज टू में क्या, ब्रेस्ट बड बन जाते हैं, केवल ब्रेस्ट बड होगा। स्टेज थ्री में जनरलाइज ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, मान लीजिए कुछ भी नहीं था, ब्रेस्ट बड आया, अभी जनरलाइज ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, ये चीज जनरलाइज ब्रेस्टमेंट स्टेज थ्री। अब स्टेज फोर में क्या होगा, ये निप्पल है, ये एरियोला है, इस तरह से ये इस तरह से बनाएंगे कि डबल कंटूर ऑफ ब्रेस्ट, उसको लगेगा एक ब्रेस्ट ये है एक ब्रेस्ट ये है, तो क्या होगा एरियोला एंड निप्पल फॉर्म सेकेंडरी माउंड, सेकेंडरी माउंड, सेकेंडरी माउंड बना दिया, ये सेकेंडरी माउंड है, सेकेंडरी माउंड। तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही ब्रेस्ट के अंदर डबल ब्रेस्ट है, ये स्टेज फोर होगा। और स्टेज फाइव में क्या होगा, एडल्ट साइज नॉर्मल ब्रेस्ट, एडल्ट साइज नॉर्मल ब्रेस्ट। तो ये टर्नल स्टेजिंग अगर इस स्टेज के अनुसार किसी का डेवलपमेंट डिले है, डिलेड हो रहा है, तो डिलेड प्यूबर्टी, और अगर इस स्टेज के अनुसार पहले हो जा रहा एज के अनुसार तो उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो SMR स्टेजिंग या टर्नल स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल दोनों में, एडोलेसेंट या प्यूबर्टल। जैसे एक ये बच्ची है हमारे पास 6 या 7 साल की बच्ची है, तो इसमें अभी ब्रेस्ट बड भी नहीं बने हैं, पास लो, इसमें अभी ब्रेस्ट बड भी नहीं हुए, ये 6.5 साल की बच्ची है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मैंने बताया कि जो प्यूबर्टी की फीमेल में 8 से 13 साल, तो कि बच्ची अभी 6.5 साल की है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये 8 साल की बच्ची होती और इसका कुछ भी नहीं होता ब्रेस्ट बड, या 8 साल के पहले अगर इसको जैसे 6.5 साल की अगर ब्रेस्ट बड आ गया होता, तो इसका मतलब थिलार्की आ गया, तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती, तो यानी ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। तो SMR स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल एग्जामिनेशन का हमने SMR स्टेजिंग कर लिया, अब हमारे पास हेड टू टो एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्री और जनरल पार्टिकुलर एग्जामिनेशन पिकल। पिकल वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेड टू टो पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पीडियाट्रिक के लिए एंथ्रोपोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।